नमस्कार। हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान ना देने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। बाल सुधार गृह में अमानवीय व्यवहार को लेकर जनहित याचिका में राज्य सरकार से जवाब तलब। मंडी मध्यस्था योजना के 23 करोड़ रुपए जारी। HPMC को 11.50 करोड़ और हिमफेड को भी 11.5 करोड़ जारी। CM सुक्खू बोले, बिकने और खरीदने वालों को सबक सिखाएगी जनता। काजा में कंगना की रैली में हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, लगे गो बैक के नारे। कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच बरसी राहत की फुहारें, ग्रीष्मकालीन स्कूलों की टाइमिंग बदली। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान न देने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने कहा कि वे यह जानकर व्यथित हैं कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार करने में बहुत कम रुचि दिखा रही है। कोर्ट ने विशेषकर शिमला, टांडा और चंबा के मुख्य अस्पतालों में ट्रामा सेंटर के बुनियादी ढांचे पर चिंता जाहिर की है। प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी के हीरानगर स्थित बाल सुधार गृह में अमानवीय व्यवहार को लेकर जनहित याचिका में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने मामले में बनाए प्रतिवादी अधीक्षक कौशल गुलेरिया, कुक राहुल, रसोई सहायक योगेश और सिक्योरिटी गार्ड रोहित को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई 24 जून को निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना में बकाया राशि में से 23 करोड़ जारी कर दिए हैं। बागवानों से सी ग्रेड सेब की खरीद करने वाली सरकार एजेंसियों HPMC और हिमफेड को 11.5 करोड़ जारी किए गए हैं। प्रदेश के करीब 2 लाख बागवान परिवारों का पिछले सेब सीजन का 56 करोड़ प्रदेश सरकार पर बकाया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र में कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में प्रचार किया। CM ने कहा कि इस बार का चुनाव देश और प्रदेश की आने वाली राजनीति को नई दिशा प्रदान करेगा। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को BJP ने खरीदा है तथा यह चुनाव खरीद फोक्त की राजनीति को करारा जवाब देने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस बार बिकने वाले विधायकों के साथ साथ खरीदार पार्टी को भी कड़ा सबक सिखाएगी। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को लेकर अभद्र टिप्पणी करने पर सोमवार को काजा में पहली बार चुनाव प्रचार में पहुंची कंगना रनौत का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनको काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया और कंगना रनौत तक कार्यकर्ताओं को पहुंचने नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच सोमवार दोपहर बाद कई जिलों में राहत की फुहारें बरसी। शिमला सहित धर्मशाला व मंडी में भी हल्की बारिश हुई। कांगड़ा जिला के रक्कड़ क्षेत्र में कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 8 जिलों के कई भागों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। उधर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव के निर्देश दिए हैं। ये स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।